स्वागत है। नीट फ्रॉड का एक गंभीर आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि नीट का एग्जाम जो कि डॉक्टर्स के लिए किया जाता है या अंडर ग्रेजुएट की एमबीबीएस डिग्री के लिए और बाकी डिग्री के लिए किया जाता है, वहां पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड होने की संभावना या आरोप लगाया जा रहा है। आइए समझते कि आखिर कल का दिन पूरा न्यूज़पेपर में नीट फ्रॉड करके चल रहा था। आखिर ये नीट फ्रॉड है क्या? आपको बता दें, एनटीए ने या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक रिजल्ट घोषित किया नीट का, जिसके आधार पर कुछ लोगों ने बताया कि ये रिजल्ट मॉडिफाइड है। रिजल्ट पे आरोप लग रहे हैं कि ये हो सकता है गलत हो, ये कहीं ना कहीं ऑल्टर्ड है। आइए देखते हैं ऐसे इल्जाम क्यों लग रहे हैं। सस्पिशन नंबर वन जो आया वो आया नीट के रिजल्ट में। 67 स्टूडेंट्स को मिला 720 में से 720। ये बात तो चलिए ठीक है कि 67 स्टूडेंट्स पा सकते हैं 720 में से 720, पर 720 पाने वाले ऐसे 62 अंक से लेकर 69th रोल नंबर तक या 62 से लेकर 69 नंबर तक का जो अगर रोल नंबर देखा गया, सीरीज देखा गया, तो ये कहीं ना कहीं एक ही जगह एक ही सेंटर से आए। आपके सामने जो रेड कलर से दिख रहा होगा 2307010168 2307010033, और ऐसे ही करते करते इसी सीरीज में सारे रोल नंबर हैं। इन बच्चों का आगे सरनेम भी नहीं लिखा हुआ है और ये बच्चे एक ही सेंटर में पाए गए और इन सबके फर्स्ट रैंक बनने की लगी रही। ये 720 अंक पाए हैं, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक ही सेंटर से इतने सारे लोगों का 720 में से 720 आ जाए। दूसरा, इनका सरनेम क्यों नहीं लिखा गया और सारे वही क्यों बच्चे आ रहे हैं। तीसरा, क्या ये एक ही सेंटर से थे? क्या इनको पता था कि ये इनका रोल नंबर और सारा सेंटर मैनेज था? इन सब के ऊपर सस्पिशन उठ रहा है। दूसरा, एक बहुत बड़ा जो एनटीए का टाई ब्रेकर रूल है उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है। ट्राई ब्रेकर, अब चूंकि 720 अंक पाने वाले जो टॉप किए हैं, फर्स्ट रैंक है, उनको एम्स में भी सबको जगह नहीं मिलेगी क्योंकि एम्स की टोटल सीट 85 होती हैं और 67 लोग हैं जो कि टॉप वन पे आ चुके हैं। तो अब टाई ब्रेकर रूल क्या कहता है? पहला टाई ब्रेकर रूल बोलता है कि मार्क्स के आधार पर करेंगे, मार्क्स तो सबके बराबर है। दूसरा टाई ब्रेकर का रूल कहता है कि एज के हिसाब से, मतलब जिसको एज ज्यादा है उसको हम रैंक अच्छी देंगे। तीसरा, अगर एज भी बराबर हो गई तो एप्लीकेशन नंबर के आधार पर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा किसकी रैंक कम और किसकी रैंक ज्यादा है। तो टाई ब्रेकर रूल भी एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना हुआ है और ये भी क्वेश्चन के घेरे में आ चुका है। तीसरा सस्पिशन तो ये बना कि कुछ एक्सपर्ट्स थे जिनसे बात हुई तो पता चला कि नीट में 720 नंबर तो चलिए आ गए, पर उसके कम नंबर आने पर सीधे 716 ही अंक मिल सकते थे। कैसे नीट के एग्जाम में 719 या 718 नंबर मिले हैं? इसके लिए एनटीए का जवाब आता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने ही एक हैंडल पे लिखा है कि उनको कंसर्न मिलता था लॉस ऑफ टाइम हो रहा है एग्जामिनेशन के दौरान, तो जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे कैंडिडेट्स उनके हिसाब से ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में ये सुनवाई हुई और उसके हिसाब से इनको लॉस ऑफ टाइम के लिए कुछ ग्रेस मार्क्स मिला है, इसीलिए नंबर 716 से बढ़कर 718 या 19 भी आ सकता है। पर यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर सबका उठाया गया है टाइम, ग्रेस टाइम सबको दिया गया है या कुछ को नहीं दिया गया। कुछ सेंटर से ये भी आवाज आई कि कुछ लोगों को ग्रेस टाइम दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया, तो ये चुनिंदा बेसिस पे किया गया कि किसको टाइम देना है किसको टाइम नहीं देना है। कुछ सेंटर्स पे पेपर लेट आए हैं उसके बावजूद भी उनको ग्रेस टाइम नहीं मिला है। तीसरा सस्पिशन अगर हम आपको बताएं, उसके पहले हम आपको एनटी के बारे में कुछ बता दें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, ये 2017 में स्थापित होती है और स्थापित होती है सोसाइटीज एक्ट के तहत, मतलब भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत ये सोसाइटी के फॉर्म में रजिस्टर होती है। ये एक ऑटोनोमस स्वायत्त संस्था है जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति हेतु प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराती है। इस एजेंसी का उद्देश्य प्रवेश और भर्ती हेतु उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए कुशल, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर परीक्षण करना है। अच्छा खासा फीस लेते हैं एनटीए वाले और तब आपका सेंटर, तब आपका एग्जामिनेशन पूरा कंडक्ट होता है। अब सस्पिशन नंबर तीन का समझिएगा। कुछ लोगों का लगातार पिछले 3-4 सालों से आरोप है कि आपके क्वेश्चंस की क्वालिटी बड़ी ही खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है। आप सबसे डॉक्टर के एग्जाम में नीट में 720 में से 720 पाना 67 लोगों के लिए बड़ा आसान था। इतना ही नहीं, लोग 716, 17, 18, 19 पे भी बैठे हुए, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो सस्पिशन ये बन रहा है कि आप इतना पुअर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हो। एक तरफ आप बोल रहे हो कि मैं अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से पारदर्शी पेपर कराऊंगा और दूसरी तरफ आप पुअर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस दे रहे हो। यहाँ यूपीएससी को देखिए, यूपीएससी के क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस दिन पे दिन साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। इनके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को देखते देखते लोगों के सिर पे बाल कम होने लगे क्योंकि ये अलग ही एनालिसिस में जाते हैं।
और वही नीट एग्जाम जो कि डॉक्टर्स बनाएंगे, भविष्य बन रहा है देश का, देश के डिजीज कंट्रोल का, देश के हेल्थ कंट्रोल का, वहां पे पुअर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है, जिसकी वजह से कट ऑफ भी बढ़ता हुआ चलता दिख रहा है। सस्पिशन नंबर 4, ये उसी दिन जिस दिन नीट का एग्जाम था, कुछ लोगों ने बोला कि मेरे सेंटर पे ऑलरेडी मेरे मोबाइल पे जो फोटो आ चुकी थी वही पेपर भी मुझे मिला, तो पेपर लीक होने के आरोप लगते रहे हैं। आज से कुछ महीने पहले अगर आप देखेंगे तो बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था कि वो पेपर लीक में या कुछ फर्जीवाड़े में शामिल थे। तो इतने बड़े एग्जाम का जहां लाखों अभ्यर्थी बैठ रहे हैं और इतनी ज्यादा सीट्स हैं MBBS के लिए, BDS के लिए, वहां पे अगर पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं री एग्जाम कराने का आवाज तो उठेगा ही उठेगा। यहाँ वो अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं पीछे रह गए उन वजह से, जहां पे कुछ लोग हो सकता है किसी ना किसी दम पर आगे आ जाते हैं पेपर लीक के दम पर या फिर कुछ गलत करके, उनसे कहीं ना कहीं इन लोगों का नुकसान होता है। कल ही एक ये भी खबर आई कि जब रिजल्ट आया तो कोटा में ही एक बच्चे ने सुसाइड भी कर लिया। अब ऐसे केसेस बहुत सामने आते हैं, इसीलिए इन एग्जाम्स को ठीक से कराना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। हम पिछले देश में अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो देश में काफी सारे पेपर लीक्स हुए हैं, कहीं ना कहीं इंक्वायरी बनती है और ये इंक्वायरी इतने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे कि पेपर लीक्स ना हो और किसी के करियर के साथ खिलवाड़ ना हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और जरूर नीचे बताइएगा कि क्या नीट और ऐसे सारे एग्जाम्स का जहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, जहाँ पे कुछ गलत होने की संभावना होती है, क्या री एग्जाम कराना सही है या नहीं है, जल्दी बताइएगा नीचे कमेंट करके। और आपको बता दें, रैंकर्स हमारे साथ जुड़े रहें, आपकी समस्या हमारा समाधान, हम बिल्कुल आपके साथ लगे रहेंगे। एक बेहतरीन अफोर्डेबिलिटी का समाधान हम आपको दे रहे हैं, 24,999 रुपए में 15 महीने का आपको पूरा कोर्स मिलेगा। ये आरंभ बैच और ट्रायंफ बैच है जो आपको पूरे कोर्स में मिलेगा। आरंभ बैच मेरा 12 जून से चालू हो रहा है और ट्रायंफ बैच मेरा 8 जून से चालू हो रहा है। अगर आप बैचेस हमारे देखेंगे तो ये इंग्लिश बैच है आरंभ और इंग्लिश मेरा ट्रायंफ बैच, और 9 जून को आपका एक ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होगा, इसको जरूर दे दीजिएगा। ये आपका 2 घंटे का 2 पेपर है, GSOC सेट उसी तर्ज पे होगा जैसे UPSC होता है, जरूर दे दीजिएगा। 1 रुपए में पूरा टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके रजिस्टर कर लीजिए। और अगर CSAT का डर हो तो अब समय आ गया है कि आप उस डर को निकाल दें, इस कोर्स को ले लें, 1999 में पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और याद रखिएगा, इन सेशन से आपको बहुत डायनामिज्म मिलता है, जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा।